मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, मगर मैंने अपनी बात पे कायम हम रहे। जब उन्होंने हमको पार्टी से खुद निकाला तो फिर हमें एक बहुत अच्छा ये मौका मिला। श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा थी। मैंने एक मोदी जी को एक खत लिखा था कि आप ये ट्रिपल तलाक के मुद्दे को आप अपनी सरकार में उठाइए, क्योंकि आप इतने भारी बहुमत से आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें उस वक्त बुला के ये कहा कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, वरना हम आपको पार्टी से निकाल देंगे। पार्टी प्रेसिडेंट जो है हमारे प्रदेश के, उन्होंने मुझे बुला के बेइज्जत किया, बदजबानी करी, गलत बातें बोली। उसकी कंप्लेन मैंने मिसेस गांधी से करी, राहुल जी को करी, और मेरा तब से ही चल रहा, मगर हम काम में कहीं रुके नहीं, काम मेरा चलता रहा। ये था कि पार्टी कोई ना कोई एक्शन लेगी, कोई एक्शन नहीं लिया।